है, क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन 2024, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर भी हम आपको जानकारी दे दें कि मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी अब जुट गई है। नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन आज होने वाला है। आज देश भर में आयोजित होंगे सम्मेलन। पीएम नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए 11 बजे संबोधित करेंगे, नव मतदाताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कनौडिया में रहेंगे मौजूद। और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित भाजपा के बड़े नेता अलग अलग जगह पर शिरकत करेंगे। तो नव मतदाताओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। विष्णु, मिशन 2024 में बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है। जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव हुआ और राजस्थान में भी अपनी जीत दर्ज कराई, उसके बाद सरकार आई, उसके बाद में राम मंदिर बना, उसको लेकर तो अब अलग ही लहर देखने को मिल रही है पूरे देश और दुनिया में। 2024 को लेकर अभी से तैयारियों में जुट गई, क्योंकि समय उसमें भी कम नहीं है। नव मतदाता सम्मेलन का आज आयोजन होगा, क्या कुछ उसमें रहने वाला है? जी विष्णु, तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे विष्णु से। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 2024 का जो टारगेट है बीजेपी का, वो अब पूरी तरीके से सबके सामने है। भाजपा मिशन 2024 को साधने में जुटी है और अब आपको बता दें कि इसी को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही है। बीजेपी की तरफ से अब लगातार अपने काम को लेकर, रणनीति को लेकर काम किया जा रहा है। और जिस तरीके से आने वाले समय में लोकसभा चुनाव बेहद ही कम समय रह गया है, और ऐसे में बीजेपी जो है अपनी पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने ठान लिया है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, वैसे ही लोकसभा में भी जीत हासिल करने के लिए पूरी तैयार है। तो उसी को लेकर आज देश भर में विष्णु हमारे सहयोगी फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विष्णु, 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है, नव मतदाता सम्मेलन का आज आयोजन होने वाला है, क्या कुछ इसमें रहने वाला है? पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। देश में जो यूथ मतदाता है, वो उनका बड़ा अहम रोल रहता है चुनाव में। वो कहा यह जा सकता है कि यूथ मतदाता सबको प्रभावित करते हैं, और यही कारण है कि राजनीति में बीजेपी इनको लगातार पकड़ बनाने के लिए अभियान चलाती रहती है। नमो ऐप और नव मतदाता अभियान यहाँ पर बीजेपी की ओर से शुरू किया गया है। देश भर में ये अभियान चलेगा और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार वीसी के जरिए यहाँ पर लोगों से रूबरू होंगे। बीजेपी के तमाम जो नेता है पूरे प्रदेश भर में अलग अलग स्कूल कॉलेज है इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर युवा रहते हैं, वहां पर जाकर उनसे सीधा सीधा उस संवाद को सुनेंगे उनके साथ बैठ के, और वहां उस दौरान चर्चा भी करेंगे। क्योंकि पिछली बार भी देखा होगा राजस्थान विधानसभा में करीब 4.5 लाख पचास लाख मतदाता एक साथ जुड़े थे राजस्थान के वोटर लिस्ट में नए मतदाता, और उनको साधने का काम बीजेपी ने किया था, और वही कारण है। तो यही अभी इस लोकसभा चुनाव में भी नव मतदाताओं को साधने का काम किया जा रहा है। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।